तो दोस्तों पफ स्नैक्स के प्लांट में सबसे पहले आता है एक बैच मिक्सर। बैच मिक्सर का काम होता है इसमें जो रॉ मटेरियल होता है उसको मिक्स करने का। इसमें जो रॉ मटेरियल हम डालते हैं चावल मक्का का, इसमें ग्रिट होता है, चावल मक्का के ग्रिट को इसमें डाला जाता है, पानी डाला जाता है, उसको एक निश्चित अनुपात में डाला जाता है। क्या उसका परसेंटेज होता है वो एक फॉर्मूला होता है, वो हमारा ऑपरेटर वहाँ पे जाके आपको बताता है कि कितना इसमें चावल डालना है, कितना मक्का डालना है, कितना पानी डालना है, वो सब कुछ हमारा ऑपरेटर वहाँ पे जाके बताएगा। तो इस मिश्रण को हम डालते हैं बैच मिक्सर में। बैच मिक्सर का काम होता है कि इस सबको मिक्स कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं बैच मिक्सर किस तरह से काम करता है। इसमें डाली है मैंने 50 किलो मक्का, ठीक है। अब इसमें डाल रहा हूँ मैं पानी, ठीक है, जो कम से कम ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमने बैच मिक्सर में जो भी रॉ मटेरियल डाला उसको बैच मिक्सर ने भली भांति से मिक्स करके हमको दे दिया है। अब इस बैच मिक्सर से माल को उठा करके हम सीधा जिस मशीन में डालने वाले हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रूडर मशीन। सबसे मेन मशीन इस प्लांट में यही होती है, क्वालिटी यही मशीन बनाती है और प्रोडक्शन यही मशीन देती है। इसको बोलते हैं कॉर्न स्नैक्स एक्सट्रूडर मशीन। इसमें जिस भी तरह की हम डाई लगाते हैं उस तरह के प्रोडक्ट बना देती है। इस मशीन में 15 से 20 तरह की डाई लगा करके 15 से 20 तरह के आइटम इससे ले सकते हैं हम। एक घंटे में ये क्वालिटी जो है 2 से 2.5 क्विंटल निकालता है। ये अब जा रहा है रोस्ट होने के लिए माल। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि एक्सट्रूडर ने हमको प्रोडक्ट बना के दे दिया है, कितनी बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया आपने भी देखा और कितनी फास्ट प्रोडक्ट बनाया ये भी आपने देखा। इस मशीन में जो मोटर होती है 20-25 HP की एक मोटर होती है, 1-1 HP की एक मोटर एक होती है, 1 HP की एक मोटर होती है, टोटल मिला के इसमें 3 मोटर होती हैं, DC पैनल होते हैं। इसको चलाने के लिए स्टार डेल्टा का पैनल लगाया जाता है। 1 घंटे में 80 से 100 KG की प्रोडक्शन होती है। रिंग पफ चाउमीन कटोरी पोला कुछ भी इस मशीन से हम बना सकते हैं। ये प्रोडक्ट बनाने के बाद अब जो हम बात कर रहे हैं रोस्टर मशीन की बात कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को उठा करके हम सीधा रोस्टर मशीन में डाल देते हैं। रोस्टर मशीन का काम क्या होता है, इससे जो नमी होती है हमारे प्रोडक्ट क्रंचनेस आ जाती है, यानी कि प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ा देता है। रोस्टर मशीन का काम हमारे प्रोडक्ट की लाइफ को बढ़ाना होता है, उसको क्रंची करना होता है। ये जो रोस्टर मशीन आप देख रहे हैं इसको 12 फीट का और 18 फीट दो वेरिएंट में रोस्टर मशीन होता है, सिंगल फेस और 3 फेस दोनों में बनता है ये। और जाओ इधर दिखाते हैं आपको, ये चला गया इसमें, ठीक है। अब इसमें होगा ये माल रोस्ट, ये हमारी पूरी रोस्टर मशीन है। हाँ ये रोस्टर मशीन है, ये देखो अपना माल रोस्ट होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये अपना चालू हो गया रोस्ट हो रहा है। अब आ जाओ आगे रोस्ट होके माल निकल रहा है, वो देखो चल के आप देखो जी ये अपना माल रोस्ट होके आ गया है, ठीक है जी, देखो बिल्कुल करंची पर माल में है, देखो आप बिल्कुल करंची पर माल आ गया है, ठीक है जी। अब इसके बाद इसमें मसाला लगेगा। तो भैया अभी क्या प्रोसेस हो रहा है इसमें? ये इसमें रिंग डाल रखी है मैंने, रिंग डाल रखी है। हाँ जी, तो इसको रोस्ट कर रहे हो? रोस्ट कर रहे हैं। 1 घंटे में कितना रोस्ट कर सकते हैं? 1 घंटे में 100 से 150 किलो। 100 से 150 किलो। हाँ जी, देखिए ये हो गया अपना रोस्ट माल, ये हो चुका है यहाँ पर, देखिए करंची बना गया। देखो मतलब पूरी नमी निकल चुकी है इसके अंदर से, बिल्कुल करंची बना चुका है जी। रोस्ट होने के बाद देखिए उसमें सरीके से ये पूरा आपका। दोस्तों रोस्टर मशीन से जो भी प्रोडक्ट हमारा निकला देखिए कितना क्रंची प्रोडक्ट निकला, इसमें क्रंच जैसी आवाज भी आ रही है, बिल्कुल क्रंची हो चुका है ये देखिए बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, अगर हम इसको दबाते हैं तो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा, बहुत ज्यादा क्रंचनेस हो चुका है। अब इस प्रोडक्ट को उठा करके हम सीधा डाल देते हैं अपने फ्लेवरिंग मिक्सर मशीन में, यानी कि कोटिंग पैन में। कोटिंग पैन का जो काम होता है वो ये होता है जो भी प्रोडक्ट हम उसमें डालते हैं उसमें वो मसाला मिला देता है, बेहतरीन क्वालिटी का मसाला वो मिला देता है। मसाला आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरह के मिलेंगे, कितना डालना है, वो सब कुछ हमारा ऑपरेटर आपको बताएगा। ये एक फॉर्मूला होता है इसका भी कि कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, कितना फ्लेवर इसमें डालना होता है। सबसे मेन जो होता है फ्लेवर ही होता है, चावल मक्के का आइटम कोई भी बना लेगा लेकिन क्वालिटी और टेस्ट देना सबसे मेन इसमें फ्लेवर का ही काम होता है। तो वो हम अपनी कंपनी में ही
ये सब कुछ करवाते हैं, एक ही छत के नीचे हम सारी सहूलत आपको देने वाले हैं। तो इसमें हमको जितना भी मसाला, जैसा भी मसाला डालना होता है, इस मशीन के अंदर डाल देते हैं, ऑयल स्प्रे कर देते हैं, और ऑयल भी कितना स्प्रे करना होता है ये भी हम आपको बताते हैं। तो ये सब कुछ मिक्स करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को सीधा निकाल लेते हैं बेहतरीन क्वालिटी का, और सीधा ये हमारा चला जाता है पैकिंग मशीन के अंदर, निकल जाता है माल। देखिए तो अभी मैंने आपको दिखाया था जी, ठीक है, तो अभी माल रोड किया था रिंग जी, अब उसके कपड़ा लगाने के लिए जा रहा हूँ, अभी ऑयल लगा रहा हूँ उस पर। अच्छा, अभी ऑयलिंग हो रही है। हाँ, अभी ऑयल लगा रहा हूँ, ऑयल लगाने के बाद ये मसाला लगाते हैं। रिंग के अलावा कुरकुरे पफ वगैरह सबका मसाला मिक्स करते हैं। सारे मसाला लगा सकते हो, नमकीन ना लगा सकते हो। अच्छा, अरे तो खा के दिखा देना, खाना बोला देखिए कितना टेस्टी बना है। देखिए हमारा मसाला लगते रेडी हो चुका है। अच्छा जी, देखिए क्या बात है, टेस्टी, बहुत टेस्टी है। अब इसकी पैकेजिंग हो गई और मार्केट में जाने के लिए रेडी हो गए। अब ये जाएगा पाउच मशीन में अपनी, ठीक है, इसके पाउच पाउच पैकिंग हो जाएगी, पाउच पैकिंग होने के बाद मार्केट में माल जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने चावल मक्का का जो भी प्रोडक्ट बनाया उसको रोस्ट किया, उसमें मसाला मिलाया, अब जो हमारा प्रोडक्ट है वो बिल्कुल पैकिंग के लिए तैयार है। अब इस प्रोडक्ट को उठा करके हम सीधा अपनी पैकिंग मशीन के हॉपर में डाल देते हैं। पैकिंग मशीन हमारी एक फुल्ली ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन होती है, ये 10 ग्राम से 250 ग्राम तक पैक करने वाली होती है। ये फुल्ली ऑटोमेटिक पैक मशीन है, इसमें अपने आप ऑटोमेटिक नाइट्रोजन आती है, इसमें ऑटोमेटिक एमआरपी डेट लगता है, इसमें ऑटोमेटिक लड़ी बनता है, इसमें कितना माल निकलेगा काउंटिंग होता है। 10 ग्राम से 250 ग्राम इसकी कैपेसिटी होती है, एक घंटे में 1800 से 2000 ये पैकेट देती है। पूरी स्टेनलेस स्टील की मशीन होती है ये, और ये हमारी पीएलसी बेस मशीन होती है, ये कंप्लीट ऑटोमेटिक मशीन बोलते हैं इसको, फुल न्यूमेटिक मशीन बोलते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, आप पाउच निकलने हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ये हमारे ऑटोमेटिक 10 ग्राम से 250 ग्राम कोई भी प्रोडक्ट हो उसको ये पैक करके निकालती रहती है। इस मशीन से आप कोई भी आइटम हो, स्नैक्स हो, फूड ग्रेड हो, या मसाले हो, चावल मक्का कोई भी आइटम हो, या ग्रेनुअल्स हो, नमकीन हो, चिप्स हो, कुरकुरे पफ, कोई भी आइटम है सब इसमें पैक हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी लड़ियाँ निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, ये एक घंटे में 2000 पैकेट हमारा निकालती रहेगी। इस मशीन को चलाने के लिए हमको कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये न्यूमेटिक मशीन है दोस्तों। कंप्रेसर 300 पाउंड का लगता है, इसमें 2 HP का लगता है। तो मशीन के अलावा आपको एक कंप्रेसर लेना पड़ेगा, वो भी हम आपको देने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, मेन बात इसमें जो पाउच के अंदर आप नाइट्रोजन देख रहे हैं वो कंप्रेसर की एयर नहीं होती, उसको नाइट्रोजन बोलते हैं। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप नाइट्रोजन सिलेंडर लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, अगर नाइट्रोजन सिलेंडर आपके एरिया में अवेलेबल नहीं है तो हम एक प्लांट भी देते हैं जिसको नाइट्रोजन प्लांट बोलते हैं। कंप्रेसर को उससे कनेक्ट कर दीजिए, उसकी एयर से आप मशीन भी चलाइए और पाउच में एयर भी डालिए। तो सारे पूरी यूनिट हमारे पास होती है, सारी मशीनरी हमारे पास मिलेंगी आपको दोस्तों। ट्रेनिंग के लिए बंदा हमारे पास मिलेगा, किसी को अपना ब्रांड प्रिंट कराना है तो ब्रांड के लिए भी हम आपको हेल्प करेंगे, रॉ मटेरियल में भी हेल्प करेंगे, मसाले में भी हेल्प करेंगे, ट्रेनिंग के लिए बंदा भी हम देंगे, खिलौने डालने हैं आपको खिलौने भी हम प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हर पैकेट के अंदर बच्चों के लिए खिलौने डाले जाते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, और ट्रेनिंग के लिए बंदा भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर किसी को परमानेंट ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी वो भी हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। रेडी है, काफी टेस्टी बन चुका है दोस्तों, देख सकते हैं मसाला बन करके, ये देखिए अच्छा हो जाएगा। माल तैयार हो गया है, अपना प्रोजेक्ट तैयार होके मशीन में डलने जा रहा है, ठीक है, ठीक है, और मैं मशीन चालू करने जा रहा हूँ। माल डाल दिया कि अपने कप, ठीक है, कप जो चीज बेहतर होगा उससे कप आपको अलग करवाने पड़ेंगे, ठीक है। ये आएगा सूट, दूसरा है सूट, सूट से आते ये वहाँ पे सीधा लगा हुआ है इसका, ठीक है, पूरा माल एक महीने पैकिंग कर रहा है। लड़ी चाहो तो आप 10 की कर सकते हो, 5 की कर सकते हो, 2 की कर सकते हो, 30 की कर सकते हो, जितनी की चाहो ना उतनी की कर सकते हो। यहाँ पे टेबल पर बच्चे हो आप, एक घंटे में कितनी लड़ी पैक करके भी आए, एक घंटे में भी निकाल देगी आपकी 2000 पाउच, 2000 पाउच घंटे की निकाल देती है। चिप पैक कर सकते हो, अपना मसाले वगैरह है वो पैक कर सकते हो, कुरकुरे हो गए, नमकीन हो गए, सारे आइटम पैक कर सकते हो, मैक्रोनी पास्ता कटोरी सारी चीजें पैक कर सकते हो आप।
सर डेट वगैरह के लिए क्या रहता है इस पे? डेट वगैरह के लिए आपने दे रखा है, ठीक है, अभी मैंने इसे चालू नहीं किया है। सर जो ये पैकिंग हो रही है वो नाइट्रोजन फिलिंग वाली हो रही है, बिना नाइट्रोजन फिलिंग? नाइट्रोजन है इसमें, जब ये हमारा बनी हुई है। अच्छा, नाइट्रोजन डल रहा है उसके साथ सेटअप है मशीन पूरा मशीन लगा हुआ है। अच्छा, ये कंप्रेसर होने वाला है, ये हवा बनाता है, ठीक है। हवा फिल्टर होती है, ठीक है। फिल्टर होने के बाद में पाउच में जाती है, पाउच के अंदर जाती है। भैया, इस मशीन से कितने ग्राम तक पैक कर सकते हैं? 250 ग्राम तक पैक कर सकते हैं। 10 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक की पैकिंग होने वाली है। दोस्तों देख सकते हैं, इस तरीके का पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमने आपको बता दिया। यहाँ से पूरा सेटअप होके सिस्टम हमारा ये देखिए कंप्लीट, हमारी ये लड़ी मार्केट में जाने के लिए रेडी हो गई भैया, तैयार है। भैया मशीन तो सारा ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होते हैं? गिफ्ट डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? गिफ्ट, खिलौने वगैरह। अच्छा, टॉय वगैरह जो खिलौने वगैरह। अच्छा, वो मैनुअली डालना पड़ता है। हाँ सर, ये प्रोडक्शन कितने देर में हुआ है? सर अभी 15 मिनट हुआ है चलाते हुए। सिर्फ 15 मिनट हुआ है, तो करीब 15 मिनट में देख सकते हो। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सारी मशीनों के बारे में बताया, किस तरह से वर्क करती है, कौन कौन सी मशीनें होती हैं, सारे मैंने आपको बताया। ऑपरेटर के बारे में मैंने बताया, फॉर्मूला के बारे में मैंने बताया, रॉ मेटेरियल के बारे में बताया। तो दोस्तों बात कर ले इसमें प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, ये चावल मक्के का प्रोडक्ट होता है, इसको फ्राई नहीं किया जाता, रोस्ट किया जाता है, इसलिए इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारे जो 5 रुपये का जो पैकेट होता है उसमें हम 20 से 22 ग्राम देते हैं। उस पैकेट को बनाने में हमारे 2 से 2.25 रुपये का आसपास खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट अलग रहता है। अगर हम अपने एरिया में बात करें तो हम 3 से 3.25 रुपये का इसमें बेच सकते हैं, यानी कि एक पाउच पे हमको 80 पैसे या 1 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट होता है। वो भी हम डिपेंड करते हैं अपने कंपटीशन के ऊपर कि हमारे एरिया में किस तरह का कंपटीशन है। अगर ज़्यादा है तो आपको 70-80 पैसे 80 पैसे या 1 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट होता है, डिपेंड करता है सारा प्रॉफिट मार्जिन सेल के ऊपर। तो सेल आपकी किस तरह के, इसमें एक दिन में आप कितने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है दोस्तों। तो ये यानी कि कुल मिला के कहने के बाद ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत ही बढ़िया होता है, और इसका जो प्लांट लगा के आप महीने के 2.5 से 3 लाख रुपये आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों देर किस चीज़ की है, आज ही स्टार्ट कीजिए, वीडियो देख के कॉल कीजिए, डिटेल लीजिए। तो दोस्तों अगर मैं मार्जिन बात करूँ इसकी लागत की, तो इस पूरे प्लांट को लगाने में हमारे 5.5 लाख के आसपास का इसमें खर्चा आता है, प्लस GST एक्स्ट्रा रहता है। जितना भी 5.5 लाख रुपए की मशीनें होगी इसमें नाइट्रोजन प्लांट आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टिंग और GST इसमें एक्स्ट्रा रहता है। करने के लिए आपको इंडिया में किसी भी कोने से, अगर आप नोएडा आते हैं हमारी कंपनी आना चाहते हैं, तो आपको न्यू दिल्ली आना पड़ेगा। न्यू दिल्ली से आपको मेट्रो मिलेगी नोएडा सेक्टर 16 के लिए, वहाँ से आपको ऑटो लेके सीधा हमारी फैक्ट्री आना पड़ेगा नोएडा सेक्टर A35 में। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन में आप वीडियो कॉल करके सारी मशीनें विजिट कर सकते हैं, कंपनी विजिट कर सकते हैं। आपको विश्वास हो तो ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं, अगर नहीं है आप तो आके सारी मशीनों को विजिट करके देख के क्वालिटी देख के तब ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों आने के लिए आपको नोएडा सेक्टर 10 A35 में आपको आना है, यहाँ पर आपको सीधी मुलाकात साबिर खान से हो जाएगी।